हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करेंगे। हम रिव्यू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, अब हम रिव्यू क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 10, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट एंड प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एसिड एक बेस है, इनके रिएक्शन जो होगा वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन भी है। OH यहाँ से निकलेगा, इस H के साथ मिलकर वाटर बना लेगा और रिमेनिंग जो अमोनियम है और नाइट्रेट है ये मिलकर अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे। अब बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड पे कितने एलिमेंट हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितने एलिमेंट हैं। अगर ये इक्वल है तो इट ऑलरेडी बैलेंस्ड, और अगर इक्वल नहीं है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन यहाँ पे एक ये है और एक ये, तो दो नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन जो है 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, तो टोटल 6 हो गए। और ऑक्सीजन जो है वो 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पे, तो 4 हो जाए। प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, एरेपिस साइड पर जो प्रोडक्ट बना है उसमें एक नाइट्रोजन ये है और एक, तो 2 नाइट्रोजन, ये बैलेंस है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट बोथ हैविंग द 2 नाइट्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, टोटल 6 है, ये भी बैलेंस है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन की बात करें तो 3 ये है और एक ये, तो ये 4, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मीन्स कि दे आर ऑल्सो बिटवीन द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान, और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान। चलें सबसे पहले देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H2SO4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है, अब ये दो आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा। मैग्नीशियम के साथ सल्फेट आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और रिमेनिंग जो है वो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, और दो ही हाइड्रोजन है सल्फ्यूरिक एसिड में डायप्रोटिक है, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। सेकंड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के दरमियान रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला यकीनन आपको आता होगा, H2SO4 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम NaOH। ठीक है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सल्फेट जो है वो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट बनेगा, जो कि सल्फेट की वैलेंसी -2 है और सोडियम की +1 होती है, तो दो सोडियम आयन आकर सोडियम सल्फेट बना लेंगे। और रिमेनिंग जो है यहाँ पे दो OH ग्रुप है, दो ही ये सल्फ्यूरिक एसिड भी डायप्रोटिक है, तो दोनों मिलकर दो वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। अच्छा, थर्ड जो हमारी इक्वेशन है सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, अगर हम इन दोनों को देखें तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैल्शियम जो है वो सल्फेट के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, कैल्शियम की वैलेंसी -+2 है, सल्फेट की -2, तो ये फॉर्मूला जो है CaSO4 बनेगा। और इसके दो OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप और इसके डायप्रोटिक होने का, जैसे दो हाइड्रोजन जो इसने लूज़ किया है, ये दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो ये बैलेंस हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आइडेंटिफाई ब्रोंस्टेड लोरी एसिड और बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। दो रिएक्शन दिया है, एक नाइट्रिक एसिड और वाटर के दरमियान है और दूसरा अमोनिया और नाइट्रिक एसिड के दरमियान है। हमें ये बताना है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी। जब नाइट्रिक एसिड और वाटर मिलते हैं तो हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट बनता है, और अमोनिया और नाइट्रिक एसिड मिलते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अब इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस, तो इसके लिए हमें रिकॉल करनी पड़ेगी अपनी मेमोरी को और इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। ब्रोंस्टेड लोरी ये क्या कहता है, अ कॉमन डेफिनेशन यूज टू आइडेंटिफाई एसिड एंड बेसिस इज अ ब्रोंस्टेड लोरी मॉडल। ठीक है, दिस मॉडल बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, ये जो प्रोटॉन के ट्रांसफर यानी H+ एक्सेप्ट और डिनेट करने की बात है। अच्छा, प्रोटॉन इज अ प्रोटॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एसिड टू बेस। प्रोटॉन हमेशा एसिड से बेस की तरफ से जाता है। ठीक है, यानी जो दे रहा है वो एसिड है, जो ले रहा है वो बेस है। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्ट करेगा एज एसिड और वाटर एक्ट करेगा एज अ बेस। ठीक है,
अच्छा, ब्रोंसटेड-लोरी एसिड इज नोन एज द प्रोटॉन डोनर, वाइल द ब्रोंसटेड-लोरी बेस इज नोन एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो वाटर ने जो है वो एक्सेप्ट किया है तो वो बेस है, और नाइट्रिक एसिड ने डोनेट किया है तो वो एसिड है, राइट। अच्छा, अब दूसरी, इसको हम फर्दर अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, सिंस नाइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट, ये नाइट्रेट में बना है बाय डोनेटिंग प्रोटॉन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय डोनेटिंग प्रोटॉन, देयरफॉर नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड। सिंस वाटर H2O एक्सेप्ट द प्रोटॉन दैट नाइट्रिक एसिड डोनेट एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, वाटर इज अ बेस। क्लियर। अच्छा, सेकंड जो इक्वेशन हमारे पास है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की, अगर अमोनिया और नाइट्रिक एसिड की बात करें तो अमोनिया यहाँ पे बेस हमें नज़र आता है, क्योंकि अमोनिया एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और ये जो है हमारे पास एसिड है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करता है, और प्रोडक्ट जो हमारे पास बनता है वो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये बेस है, ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड है। सिंस नाइट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाई डोनेटिंग प्रोटॉन, देयरफॉर नाइट्रिक एसिड इज एन एसिड। सिंस अमोनिया एक्सेप्ट द प्रोटॉन डेट नाइट्रिक एसिड डोनेट एंड फॉर्म अमोनियम आयन, अमोनिया इज बेस, कंसिडर एज अ बेस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है लुईस एसिड एंड लुईस बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तीन रिएक्शन दिए हैं इन्होंने, फ्लोराइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ है, और बोरोन फ्लोराइड का आयन बना है हाइड्रोजन H+, और अमोनिया अमोनियम आयन बना है, और अमोनिया और एलुमिनियम फ्लोराइड के दरमियान रिएक्शन है, और ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। सबसे पहले फ्लोराइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड को देखते हैं, तो इसके अंदर F जो हैज़ल, इसके पास तीन लोन पेयर है, एक तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और तीन जो है वो लोन पेयर है। ठीक है, F एटम के पास लोन पेयर है, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो ये एक्ट करेगा डोनर। F इज एज एक्ट एज अ लुईस बेस, क्योंकि ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये लुईस बेस है। बोरोन ट्राइफ्लोराइड की बात करें तो इसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसने तीन तो रिएक्शन कोवेलेंट बॉन्डिंग की है फ्लोराइड आयन के साथ, ठीक है, फ्लोरीन के साथ किए तो बोरोन फ्लोराइड बना है, और तीन बने हैं। ठीक है, एक अभी इसके पास कम है, क्योंकि तीन का मतलब है थ्री पेयर मीन्स सिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस शेल के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो एक पेयर की अभी भी कमी है। ठीक है, इट हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट नीड एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू कम्प्लीट इस ऑक्टेट, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का पेयर और चाहिए अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए। सो बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और ये लुईस एसिड के तौर पे काम करेगा। सेकंड की हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन है, अमोनिया है और हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, तो हाइड्रोजन आयन जो है वो लुईस एसिड करेगा, और अमोनिया जो है वो ये H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बेस बनेगा। तो लुईस एसिड इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर, लुईस एसिड जो है लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, द H+ आयन हैज नो इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, सो कैन ईजली एक्सेप्ट अ लोन पेयर फ्रॉम द अदर एटम, इसलिए ये नाइट्रोजन अमोनिया के नाइट्रोजन से आराम से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, डेट्स वाई इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, इसी वजह से लुईस एसिड के तौर पर एक्ट करता है। अच्छा, इन द अदर हैंड अमोनिया हैज़ अ लोन पेयर, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, ठीक है, नाइट्रोजन एटम पे, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, अमोनिया इज अ कंसिडर एज अ लुइस बेस। अच्छा, ये तीसरी जो इक्वेशन हमारे पास है अमोनिया और एलुमिनियम ट्राइक्लोराइड के दरमियान, अगर हम देखें एलुमिनियम ट्राइक्लोराइड को तो हमें ये नज़र आता है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके वैलेंस शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, यानी तीन पेयर है और दो की अभी भी कमी है, क्योंकि इसका वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है, अनस्टेबल है, देयरफॉर इट विल बी कॉल्ड एज अ लुईस एसिड, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए ये एसिड है। अमोनिया के नाइट्रोजन के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को डोनेट करेगा, हेंस अमोनिया विल एक्ट एज अ लुईस बेस। ओके, थैंक यू।